सो स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक क्लाइंबिंग. रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसी चट्टान है, खड़ी चट्टान है और इस पे चलना इसको कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग. सो लेट्स सी, वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेलका विलेज. हमने जो है लगभग 15 किलोमीटर की जो है चढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद कहाँ पहुंचे वो लोग, टेलका विलेज तक पहुंच गए थे. इट वॉज अ हाइट ऑफ 1600 मीटर, जिसकी हाइट कितनी थी 1600 मीटर उसकी हाइट थी. ये कब की बात है, 10 फरवरी 1984 की बात है. Our rucksacks had all that we may need, food packets, water bottles, rope, hook, plastic sheets, diary, torch, towel, soap, wind shutter, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. इसके बाद क्या हुआ कि वो सारी ये सारी ही चीजें लेकर उनके रक्सेस जो उनका बैग था उसमें ये सारी चीजें थी. We could see fruits, vegetables growing in the step field. और वो जो है उस चट्टान पे चढ़ते हुए आसपास में जो है स्टेप फील्ड्स देख रहे थे. स्टेप फील्ड जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए हुए थे. स्टेप फील्ड्स क्या होते हैं कि पहाड़ों में आपने देखा होगा कि सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं ताकि वाटर जो है जब भी बारिश हो तो वाटर जो है और सॉइल के साथ जो न्यूट्रिएंट्स बहकर आए वो नीचे की तरफ सभी को मिल पाए और वाटर वेस्ट ना हो. इसीलिए पहाड़ों में क्या किया था, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं कुछ इस टाइप से कि एक एक लेयर बनाई जाती है, उसके बाद सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर. सो ऐसे जैसे स्टेयर्स होती हैं वैसी ही जो है स्टेप फील्ड्स बनाए जाते हैं. वी सॉ कॉलोनल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 90 मीटर्स हाई फ्लैट रॉक विद द पेज और रोप्स. इसके बाद हमने जो है कॉलोनल राम सिंह को देखा जो कहाँ पे खड़े थे, लगभग जो है 90 मीटर उस ऊपर फ्लैट चट्टान पर खड़े थे पाइटन और रोप्स के साथ, पेज और रोप के साथ, हुक और कुछ और उस रस्सी के साथ वो खड़े हुए थे. वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स प्लेस वेयर वी कैन पुट अवर हैंड्स एंड फीट. इसके बाद हमने जो है उन्हें ऑब्जर्व किया बहुत केयरफुली कि हमें रॉक जो है कहाँ से पकड़नी है, कहाँ पे जो है होल्ड लेना है, कहाँ पे उस प्लेस को फिक्स करना है, ओके और अपने फीट को कैसे रखना है. टूडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आज मैं जो है वापस नहीं जाना चाहती. आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, आज जो है मैं इस टास्क में जो है मैं बिल्कुल पीछे नहीं खड़ी थी बल्कि आज मैं सबसे आगे लाइन में खड़ी थी. अवर इंस्ट्रक्टर टायर्ड आरोप अराउंड हिज वेस्ट, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने रोप को जो है अपने वेस्ट पे अपनी कमर पे बांधा था. ही पुट द सिलिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, और एक बहुत मोटी सी रस्सी के साथ करती जो ऊपर से बंधी हुई थी, किसी चीज से हैंग की गई थी. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज ही वॉज रनिंग अप, उन्होंने ऐसे क्लाइंबिंग की जैसे कि वो बिल्कुल रन कर रहे होंगे, इतनी इजिली जो है स्टेप वाइज स्टेप वो ऊपर उस माउंटेन पर उस रॉक पे जो है चढ़ते गए, उस चट्टान पर चढ़ते गए. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप, फिर मैंने भी जो है अपनी स्लिंग पकड़ी, अपनी रस्सी को पकड़ी, अपने हुक जो हुक से बंधी हुई थी ऊपर, बट जैसे ही मैंने एक फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया मैं वहां से फिसल गई, मैं स्लिप हो गई. एंड देयर आई वॉज स्विंग फ्रॉम द रोप, और इसके बाद उस रस्सी से मैं झूलने लग गई. वो ऐसे कहती है कि उस रस्सी से मैं झूलने लग गई, मैं स्लिप हो गई. कीप योर बॉडी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग, फिर उसने आवाज सुनी, आई हर्ड, उसने सुना कि पीछे से उससे आवाज आई कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री एंगल पर बेंड रखो, अपनी बॉडी को 90 डिग्री एंगल पर रखो. कीप योर बैक स्ट्रेट डू नॉट बेंड, और अपनी बैक अपनी पीठ को जो है स्ट्रेट रखिए, बेंड मत कीजिए. कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप. अब ये सारी चीजें मैं अपने दिमाग में सोचते हुए मैंने ऐसा सोचा कि जो रॉक है, जो वो चट्टान है, वो एक फ्लैट ग्राउंड है, एक बिल्कुल जो है फ्लैट ग्राउंड है, और मैं उसके ऊपर क्लाइंबिंग करने लगी. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वे कॉलिंग रैपलिंग.
सो अब वो क्या कहती है कि जब भी वो नीचे आती वो एक स्पेशल ट्रिक से जो है ऊपर की तरफ चढ़ती, जिसे हम कहते हैं रैपलिंग। रैपलिंग मीन्स क्या होता है कि आपने देखा होगा जो क्लाइंबिंग करते हैं, जो पहाड़ों पे रस्सी के थ्रू चलते हैं, वो कैसे जब वो वापस उतरते हैं तो कैसे उछल उछल के अपने स्टेप्स को रखते हैं, तो उसे कहते हैं रिपलिंग। सो वो रिपलिंग के थ्रू जब भी नीचे आती तो रिपलिंग के थ्रू जो है नीचे आती। आई डिड दिस विद द सेम फेयरलेसनेस। इसके बाद मैंने बिना डरे जो है इस वर्क को, इस चीज को किया और मैं उस पे चढ़ने लगी। अ फनी इंसिडेंट, एक फनी इंसिडेंट भी हुआ हमारे साथ। सो वो क्या था, इट वॉज इवनिंग, इवनिंग का टाइम था। खुंडोबी वॉज फीलिंग हंग्री, खुंडोबी को बहुत भूख लगी थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, इसके बाद उसने जम्प किया और एक फील्ड में पहुंच गई, एक खेत में पहुंची। शी क्विकली प्लक्ड टू बिग क्यूकम्बर एंड केम बैक, और फटाफट से उसने जो है दो जो है बड़े बड़े क्यूकम्बर तोड़े और फटाफट से वो हमारे पास आ गई। Just then a woman came from behind and catch hold of her bags. तभी पीछे से जो है एक woman जो है जो उस खेत की मालकिन थी वो पीछे से आई और उसने जो है उसके बैग को होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। She started saying something to Kundobi in her own language. इसके बाद जो है वो अपनी ही own language में, अपनी language में जो है उसे डांटने लग गए, उसे कुछ कहने लग गए, क्योंकि उसने उसके खेत से, उसके field से जो है दो cucumber तोड़े थे। We could not understand what she was saying. हम जो है समझ ही नहीं पा रहे थे वो क्या कह रही थी। Kundobi was trying to explain in her Mizo. इसके बाद खुंडोबी जो मिजोरम की थी और वो उसे मिजो लैंग्वेज बोलती थी, वो एक्सप्लेन कर रही थी, उन्हें समझा रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वो मिजो लैंग्वेज में समझाई थी लेकिन हम भी उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया लेकिन फिर भी किसी ने जो है मेरी बात नहीं समझी। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड टू से दैट वी वर सॉरी, इसके बाद जो है मैंने अपने हाथ जोड़े और हम सब ने कहा सॉरी। बाय देन अवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, इसके बाद जो हमारा जो ग्रुप था हमसे दूर चले गया था। आई वॉज ऑलरेडी डार्क, इट वॉज ऑलरेडी डार्क, उस टाइम पे बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो गया था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे, इसके बाद मैंने सोच लिया था कि हमने अपना रास्ता खो दिया है, क्योंकि वो अपने ग्रुप के और लोगों से बिछड़ चुके थे। नाउ वी वर रियली स्केयर्ड, इसके बाद जो है हमें सचमुच डर लगने लग गया, क्योंकि कौन थे, सिर्फ खुंडोबी और जो गर्ल है वो दोनों बस साथ में ही रह गए थे, जो संगीता और खुंडोबी बस साथ में रह गए थे, अदरवाइज जो उसके अदर ग्रुप मेंबर्स थे वो आगे जा चुके थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद अवर टॉर्चेस, हम जो है अपने टॉर्चेस से भी कुछ भी ठीक ठाक नहीं देख पा रहे थे। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, इतने ठंड में भी जो है मुझे स्वेटिंग हो रही थी, मुझे पसीना आ रहा था। आई टाइटली होल्ड खुंडोबी हैंड, मैंने जो है खुंडोबी के जो है हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। आई कॉल्ड आउट लाउडली, मैं बहुत तेज से बुला रही थी, वेयर यू आर ऑल, कहाँ हो आप सब, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। मैं माई वॉइस इगोस्ट इन द माउंटेन, मेरी जो आवाज थी वो गूंज रही थी माउंटेन में, बहुत तेज तेज आवाज जो थी वो गूंज रही थी। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड अवर टॉर्चेस, हम दोनों जो है बहुत तेज तेज की सीटियां बजा रहे थे, अपनी विसल को यूज कर रहे थे और टॉर्चेस से जो है फ्लैश भी कर रहे थे। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, ताकि हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ये पता चल जाए कि हम मिसिंग हैं, हम खो चुके हैं। वी हेयर्ड सम विसल एट द डिस्टेंस, इसके बाद हमने कुछ डिस्टेंस से उस विसल की साउंड सुनी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, मैं उस सिग्नल को समझ गई कि वो हमारे ग्रुप मेंबर्स के ही सिग्नल्स हैं। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड, हम दोनों खुंडोबी और मैं जो है दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े वहां पे खड़े थे और वेट कर रहे थे कि वो लोग हमें आए और ले जाए। खुंडोबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, उसके बाद जो है खुंडोबी ने सोचा कि क्यों ना हमें बातचीत करनी चाहिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मिजो सॉन्ग लाउडली, इसके बाद जो खुंडोबी थी वो मिजो साउंड में ही जो है मिजो सॉन्ग
गाने लग गई थी, बहुत तेज तेज मिजू सॉन्ग गाने लग गई थी। आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस, इसके बाद हमने देखा कि उन लोगों को हमारी तरफ, ग्रुप मेंबर जो थे वो हमारी तरफ आ रहे थे। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, इसके बाद हम दोबारा से अपने ग्रुप के साथ हो गए थे। सो नाउ स्टूडेंट, टुडे आई विल टेल ओनली दैट मच। A special guest, this is the next topic, this I will tell in my next video, and that is the last video of this chapter. So till then, thank you so much, and read that topic again.